ये ललकारे बोला तो हमारे गांव में मगरेश नीलगंडन गांव ही बोलेगा, ठीक है ना? किसी समय बुरा आदमी का नाम पे ही वो जगह फेमस हो जाता है। ये कायकुलम राजा की जिला हो सकता है, मगर कोचुनी नाम पे ही ये जगह फेमस हुआ है। करेक्ट बोले आप। ये बोलो, नीलगंडन को हम क्या करें? अपनी फैमिली को खत्म करने वाला है। दादागिरी पीना यही तो करता है, ये कब वो स्टॉप करेगा? गए हफ्ते मंदिर में लड़ाई किया, एक ही आदमी 16 आदमी को मारा। ये क्या उतना बड़ा बदमाश है क्या, 16 लोगों को मारा? ये नीलगंडन और उनका गुंडे लोग पिछली बार मुंडकल मंदिर को नहीं आया ना। मैं मुंडकल कांदन का काम वाला मगर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मुंडकल कुंजी कृष्ण नंबियार और उसका बांजा शेखरन का नाम सुना तो नीलगंडन हिल जाएगा। मुंडकल मंदिर में त्योहार है, झगड़ा कोई नहीं होगा आशा करता हूँ। इस बार नीलगंडन मंदिर के पास आने को मना है, शेखरन मना किया है, आया तो मारने के लिए आदमी है, धन धनाधन कर देंगे। नायर, किनारे में कौन है देखो? कौन है ये लोग? समझ में नहीं आया? दाई साइड में भारदन, उसके बदल में कुंजनंद, जीप के ऊपर बैठा हुआ कुरुप, जीप पे हाथ रखकर हैदरू, चारों राउडी है, मंगलशेरी नीलकंठन के आत्मी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शंकरम्बल श्रीगंड पुतवाल होना? हाँ। थोड़ा आओ, तुमसे बात करना है। नायर जी? कुछ नहीं। अरे तेरे शेखरन ने नीलकंठन को मंदिर के उत्सव में नहीं आने को बोला है, बता। ओ, ऐसा क्या? वो ऐसा नहीं बोला, वो थोड़ी ही बोलेगा। क्यों नायर, चूचू जाना है क्या? नहीं नहीं, ठीक है अभी जाओ। नहीं, ये बजा रहे हैं ना, इन सबको लेके जाना है क्या? ऐसा नहीं है, वो लोग हमारे गांव को आ चुके हैं और उन लोगों को बजा के हम लोग थोड़ा हाइश करके ये पंचवादी हम सुनने को अच्छा निकल जा रहे हैं और हमको भी ये क्या सुभद्रा, उत्सव अच्छा है? हाँ बहुत अच्छा है, इतनी भीड़ भाड़ आज तक मैंने यहाँ देखी नहीं है। हाँ, मुंडकल परिवार वाले करने की वजह से ऐसे है। नाटक उत्सव खत्म होने के बाद ही तुम जाएगी ना? मैं रात भर जाग नहीं सकती, श्रीकंठ पुदवाल का पंचवादी सुनने के लिए ही मैं यहाँ रुकी हूँ। रात को खाना तैयार रखना, मैं आ जाऊंगा। जी एक मिनट।
शायद कुछ बॉम्ब होगा, ये कलयुग है। अयो ये बॉम्ब है, भागो भागो, बचाओ 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 बचाओ। अच्छा था, मतलब बहुत बढ़िया। इधर आओ, इसको जरा देख लेना, आपसे भी बड़ा निकलेगा ये। इसकी उंगली काट के लेके रख लो आप। क्यों, क्या बात है, कोई भी मुस्कुराता नहीं है क्या? यहाँ के मंदिर में आने के बाद मैं बुला के ऐसा करूंगा करके सोचा नहीं होगा। मंगलपुर के माधव मेहता के बेटे को जो देखने नहीं चाहिए वो देखेगा, ऐसा ही सीखा है और वो बदलेगा नहीं। सच्चाई में हम लोग सोचा ही भी नहीं था, आपके बारे में सुना हूँ, अभी तो मिलने का चांस मिला। जो भी आपने सुना होगा वो सब ठीक था, बदमाश बेशरम बदतमीज सब सुना होगा, वो सब मेरा ही नाम है। सर झुकाना हो तो सिर्फ कलाकार के सामने, और दोस्त सारे गुंडे हैं, सिर्फ इन दोनों के साथ मैं रहता हूँ। हाँ दे दो, हाँ ये लो। आपको खुश करने के लिए ही है। खुशबू, बहुत खुशबू। तो फिर रात को इधर ही रुकिए और सुबह चले जाइए, पीते हो तो चलेगा, नारियल पानी के साथ मिला के पीना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। गलत मत समझना, फिर मिलेंगे। आज मुझे हाँ कोई बात नहीं, कभी भी आ सकते हो, दरवाजा खुला ही रहेगा कभी भी। और सुनो, इनको वहाँ तक भेज के आओ। हाँ। अच्छा वो लोग कहाँ गए, मंदिर में क्या लफड़ा हुआ कौन जानता है, वो चार लोग गड़बड़ के आदमी। हाँ वो सब वो लोग संभाल लेंगे, आप ये काम करिए। ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, धर्मवान है, अच्छी खानदान का है, मंगलेश्वरी फैमिली है ना। हाथ भर के पैसे लेके गए वही लोग आज इतना बोल रहे हैं, बेकार है वो कहानी तो बहुत बड़ा है। उतरो बे। मंगलेश्वरी में बजाने के लिए मैं पैसा दिया क्या? हो गया मेरा बदन, ऐसा मर में खाना था, भगवान की इच्छा था ये, अब उत्सव को बर्बाद की ना, इसलिए ये हुआ। आहिस्ता आहिस्ता करो, एक जवान के साथ देता हूँ ना ये बूढ़ा, इसलिए बूढ़ा इतना खाना पड़ता है, मुझसे नहीं हो रहा। छोड़ दो पानी लगंडा, मुझसे नहीं होगा, सुबह मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। सुबह होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी जाएंगे, बहुत देर से देख रहा हूँ मैं। अभी जिंदगी बिताना तो एक मंदिर जाके सेवा करके जीवित रहूंगा, ये दादागिरी मारपीट मुझसे अभी नहीं होगा। क्या करना है अभी मुझे बोलो। आओ तुम मेरे साथ। अबे ये अच्छा है, रात में ही गड़बड़ चालू कर दिया, कर लो कर लो।
इनको अगर कुछ होगा तो वो मुझे धुकेगा, शरीर को नहीं मन को। सब मेरे से लेंगे, आज सबको मैं मार के ही रहूंगा, देख लेना तुम लोग। नीला अभी छोड़ देते हैं, ये विशेष रुक गई ना, ये भी उनको बहुत मुश्किल लगेगा। वहाँ काम कैसे है? 5 साल से मैं हूँ ना, इसलिए आदत होगी। यहाँ काम ज्यादा है, तू ही देखा ना। शारदा ठीक ही लिखी है, आप सुबह ही शुरू कर दिया है क्या? वो हर वक्त नहीं बेटी, जब मन बहुत तकलीफ में है। समझा, आप शराब पीने से मन हल्का हो जाता है क्या? हाँ पापा, कला मंडप में मेरे साथ लक्ष्मी रहती थी है ना, पट्टा भी मैं रहने वाली। इनके मामा पॉलिटिक्स में इनके बड़े हाथ है, उसी के रेकमेंड से कला मंडप में मुझे टीचर पोस्ट दिलवाने के लिए बता रही थी। ठहरो बेटी, मेरे पास जो जमीन था वो गिरवी रखकर पढ़ाने के लिए नहीं, तुझे काम में भेजने के लिए नहीं। वैसे तो मैं TTC में भेज देता था, अगर तू कहीं काम करने जाएगी तो तेरा काम खत्म। और अगर पढ़ना चाहती है तो पढ़ो, बहुत बड़ी नेत्री की बनो। ये सिर्फ मेरा सपना नहीं है, तेरी मर गई हुई माँ का भी है। अरे बानू, पहचाना? क्या लीला दीदी ऐसे पूछ रहे हैं? नहीं, बहुत पढ़ लिख के आई हो ना, इसलिए रिश्तेदारों को भूल जाएगी क्या? भानु तुम बहुत बदल गई हो, समय मिले तो घर की तरफ आना। जरूर। अच्छा चलो जी। हाँ। ओ दोनों कुछ भी बदला नहीं है ना पापा? वो वैसे ही है, उसका पति भी वैसे ही है। हमारे एक और जगह गई, अब अगले खेल के लिए क्या? नदी के किनारे 1000 रुपए का अदरक है। हाँ वो ही सही। ओ यहाँ नया आया क्या? ओ नीलगंडन, मेरे शेखरन को नई करके सबने रोक दिया, नहीं तो कल ही इसका काम खत्म हो जाता। ये सिर्फ पानी का सांप, वो जहरीला सांप है, उसको सब ध्यान से रहने के लिए बोलो। अच्छा तो तू यहीं पर है क्या? हाँ यही हूँ। क्या बोला बे? तू एक कुत्ता है। नहीं नहीं, नहीं रुको रुको, छोड़ दे, इसको मार रहा है मुझे। छोड़ो बे, उसको छोड़ो, उसको मैं देख लूंगा। नीला मेरा बात सुन, इसको मारने से कोई फायदा नहीं। आप छोड़ दो, हम है ना। और डालो फिर उनको कचरा बात पूरा बताओ। क्यों नीला, कब से ये नारियल और दत्ती रख के खेलना चालू किया है, बताओ ना सही। हाथ में पैसा नहीं है तो ऐसे भी खेल सकते हैं। तो कितना खेलना तो भी खेलो, मगर मुझसे ये काम सब नहीं होगा। नारियल लेने के लिए लोगों को लेके गया, अब शर्मिंदा हो गया। हाँ जब पैसे के लिए पूछते है तब देना पड़ेगा। मैं हार गया भगवान, मुझे रखे भी ये खेलने वाला है। आपको गिरवी रख के कहाँ खेल सकते हैं। हंसो मत बंदर की लोगों, मैं तो पागल हो रहा हूँ। हाँ वो लोग आ गए हैं। अरे कौन है ये नई आदमी? आप बस अंदर जाइए। हाँ जाइए। चाको, चोर चाको बोलेंगे। सब कुछ बोला है। चंद्रालय में सुमित्रा माँ का घर है ना, रात में नंबियार वहां पे आएगा, वहां से जाने के वक्त उसके देखते हैं। तुम अकेले करोगे? बस आदमी को दिखाओ, फिर आपके मर्जी जैसा हाथ या पैर निकाल देंगे। कोई जरूरत नहीं, वो सब नहीं चाहिए, सिर्फ 2-4 मार दे, समझ गया ना? हाँ। सामने से मारने के लिए हिचकिचाता नहीं, मुझे अच्छा लगता है।
लेकिन उसकी जरूरत उसको नहीं है। दो मार करके वैसे ही चोटना मत, थोड़ा दिन तक वो दर्द रखना है। बात समझ गए ना, मर जाना नहीं चाहिए। पापा हमेशा देर से ही आता है क्या? हाँ, कभी कभी और नहीं आते हैं। दारू पी के कहीं गिर कर ना पड़े रहते हैं। आजकल वो ज्यादा पी रहे हैं ना? अर्बन बैंक से नोटिस 3 बार आ चुका है, जब के लिए आ जाएंगे करके लोखे ने कहते हुए मैंने सुना है। बाबा ने सिर्फ दोनों से उधार नहीं लिया है, भगवान विष्णु और अपने गाँव की माता से। उनके रिश्तेदार कोई मदद नहीं किया क्या? बहुत अच्छा है। हे भगवान, रिश्तेदार क्यों है पता नहीं, इतने बुरे लोगों को मैंने नहीं देखा, सब ऐसे ही हैं। बाबी और भैया दीदी, उनको देखने पर चप्पल उठाने को मन करता है। हमारी माँ की तरफ से वो ही एक रिश्तेदार है, रास्ते में देखा है मैंने। दीदी केशव कल जी आए हैं, सुभद्रा इनके रकेल हैं। तुझे कैसे सब न्यूज मिल जाता है? मेरे को सब न्यूज आ जाता है। अरे क्या हुआ आपको? इस चेहरे पर खुशी लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? नीलगंडन, उसी की याद आ रही है। इस कहानी को खत्म क्यों नहीं कर देते? ऐसे ही बढ़ता रहा तो उसको काट के रखूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। नीलकंठन भी कुछ कम नहीं है, पता है ना आपको? हाँ। उसका हुनर क्या है, दूसरे लोगों से तू ही ज्यादा जानती है ना? याद है जब कुत्ते की तरह सबने छोड़ा था, मैंने ही याद रखा था, याद है ना? मैं कुछ नहीं भूली हूँ, लेकिन नीलकंठन की माँ मेरी वजह से ही घर से बाहर निकाली गई ना? नहीं, पुराने कहानी मत बताना, मुझको पता है मैं जो भी करूँ तुझको तो वही पसंद है ना। अरे क्या हुआ, इतनी जल्दी रूठ गए आप? तू देखते ही रहना, थोड़े चीज मैं करके दिखाऊंगा। ए भगवान, कौन है? ए छोड़ो छोड़ो, कृष्णा कौन है? यहाँ पर आओ, भाग के आओ। ए कहाँ है बे बाबू, भाग के आओ, मुझे मार रहा है। बाबू दीदी, पकड़ो बस इसको, पकड़ो, मारो। कौन है वो लोग, क्यों उसे मार रहे हैं? केशव कल से और उसके आदमी, ये आदमी को अभी तक मैंने देखा नहीं, लात काते हुए। बोल बे कुत्ते, कौन भेजा तेरे को? मत मारो मुझे। बोल बे, मारो मुझे। बोल बे, मार दूंगा। नहीं नहीं बेटी, अंदर आओ आओ। नहीं बेटी, हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। वो मर गया करके पता है क्या? कुछ तो बोलो आप लोग। 2-3 बार बौख दिया, शायद मर गए। मैंने बोला था ना तुमको कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा रास्ता ही नहीं था, अगर मैं नहीं करता तो वो मुझे मार देता। नीलकंठ ने लोगों को मारा है, दिन में सामने से मार के पीछे से चिपके वार करने की जरूरत नहीं पड़े है, लेकिन ये सब तुम बेवकूफों की वजह से है। मंगलपुर के माधव मेहता का बेटा बदमाश है, लेकिन अभी उसको मुजरिम भी बना दिया तुम जैसे बेवकूफों ने मिलके। नीला, ये तो हो गया है, अब समय नहीं है,
इसको छुपा के रखना, वही हमको बला है। वो बाहर का आदमी है, सेंट्रल जेल से अभी बार आया है। अगर उसको अरेस्ट किया भी तो एक या दो साल। इनको सपोर्ट करके बहुत लोग आ जाएगा। पुलिस उसको बहुत जोर से ढूंढ रहा है। कितना ढूंढते भी किया है, नीलकंठ तो पैसा तो फेंकता है ना। अपने मामा का खून हुआ है, शेखरन चुप नहीं रहेगा। शेखरन जाओ, छोड़ दो शेखरन, मुझे पकड़ो मत। नहीं, आज मेरे मामा, मुझे छोड़ो, छोड़ दियो मुझे, छोड़ो। आपसे मिलने के लिए आ रहा था मिस्टर शेखरन। पालकट राघवन पर हमें शक है, उसको आपके मामा के साथ कुछ लफड़ा था, हम ढूंढ रहे हैं उसको। आपको स्टेशन तक आना पड़ेगा, कुछ डिटेल्स चाहिए हमें। मैं चलता हूँ। हाँ नीलकंठन, भूलो मत। नीलकंठ, सब कदम हो गए करके मत समझना, और शुरू होने वाला है। मेरा दिन भी आया है, तब मैं बात करूंगा। बहुत दिन नहीं है, याद रखना। चाय ले लो। ये अमर घर। बहुत शुक्रिया सर। कौन है बेटी वो? पता नहीं पापा, यहीं पे ही आ रहे हैं। ओह पानीकर सर। क्या कौन? पापा बहुत फेमस डांसर हैं दिल्ली में, मैंने बताया था ना। हे भगवान। भानुमती। मैं, मुझे पहचानता है ना? मालूम है, आपको देखते ही पड़ीकर सर करके बोला था। मैंने नहीं, मेरी बेटी ने बताया। आइए ये ले लो बेटी। कलामंडलम तक आने वाला काम था, बैठो। शाम को कोचिंग तक जाना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। गलत मत समझना, मैं आने का कारण भानुमति के बारे में बहुत कुछ सुना। शनमुगम पिल्ले गुरु मेरा दोस्त है। मैं दिल्ली में एक डांस स्कूल स्टार्ट करने वाला हूँ, अमेरिका की फोर्ड फाउंडेशन ग्रांट से। भानुमति वहाँ काम करना, डांस सिखाना, ओ नहीं से पढ़ाई भी अच्छा होगा, फिर प्रोग्राम्स भी। क्या बोल रहे हैं? क्या बेटी, पनीकर सर ने इतना बड़ा विषय बताया? ऐसा टैलेंटेड लोगों को ही मैं इकट्ठा करने वाला हूँ। हाँ, और मैंने जो बोला ना उसमें इम्पोर्टेंट है, आप सिर्फ एक टीचर नहीं, आप जिंदगी में बढ़ने के लिए और टैलेंट दूसरों को दिखाने के लिए भी आपको बहुत मौका मिलेगा। अच्छा मैं निकलता हूँ, फिर मिलेंगे। चाय पीकर? पीने के लिए चाय या कुछ? कुछ नहीं। आप बहुत भाग्यवान है, आपका बच्ची की टैलेंट को इस दुनिया जान लेगा। नमस्ते। हे भगवान। बार बार इसको साफ करके क्या फायदा है? कार को लेके घूम के आएंगे ना? वो सब तुम ध्यान में भी मत लेना। ये मेरे पिताजी की गाड़ी है, इसमें बैठ के सवार करने के लिए हमें योग्यता नहीं। लंदन से जहाज में आया है ना? आपको देखने के लिए आया है वो, जानते हैं कौन? हाँ वीरन कुटी।
मस्कत में है। अच्छा, बात क्या है? कई हफ्ते ही आया था, बहुत काम था इसलिए नहीं आ सका। सिगरेट? नहीं, बीड़ी पसंद है, वो भी कभी कभार। क्यों आए इधर? वो तुम्हारे जगह मुझे बेच दो। तुम्हें देना चाहिए, मतलब समझा नहीं मैं। वो बेच रहे हैं तो मैं 1000 रुपये ज्यादा दूंगा। मेरे घर के सामने आके किसी चीज को खरीदने की धैर्य है तुम्हें? एक जमाने में तुम्हारे बाप इसके अंदर कभी रुकता नहीं था। एक बार किसी बदतमीजी करने की वजह से सब लोगों ने मिलके उसको मार के भेजा था। तुम्हें याद नहीं तो उनको जाके पूछो, जिंदा है ना अभी भी? कहीं विदेश में जाके थोड़े पैसा मिलने के बाद मेरे पास आया है तू? निकल जा, जा। अबे तेरे को पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें पता है? तुम्हें क्यों ये ऐसे बात कर रहे हैं? 1000 रुपया ज्यादा देगा क्या है तेरे को? मैंने पहले ही बोला था ये ठीक से नहीं है। क्यों उसको गाली दे रहा है? तू जगह बेचता सुन के आया होगा। हाँ बेचेगा, अभी भी बेचेगा। मेरे पिताजी के हैं, उसको बेचने के लिए कौन रोकेगा? खरीदने के लिए भी चाहिए कोई योग्यता। काम सब बढ़िया है, थोड़ा खर्च ज्यादा था। इसके लिए हिसाब मत लिखना, पिताजी के लिए करना था बहुत पहले ही। अच्छे सोच तुमको बहुत लेट ही आता है। कुछ बोला आपने? कुछ नहीं, ये बहुत स्ट्रांग है। हाँ। बोला मैं। अंदर नहीं आओ, इसको कचना ना करो। ये तो मंदिर नहीं है ना? हाँ मंदिर है, कलाकी मंदिर। शराब पीने वाले नहीं जानते हैं। ये एक अच्छी दिन देके अच्छी डांस परफॉर्मेंस के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? ये सुदास को बुक करेंगे। अरे कोई होने वाला काम है तो बोलो भाई। ठीक है, डांस कैसे रहेगा? हाँ हाँ समझ गया मैं, तेरा एक बंदी है ना, बहुत जगह जाके नाचती है वो। हाँ वही है, उसको बुलाए क्या? वो बात को बदलो मत। ए डांस की मतलब ये बेकार लोगों की डांस नहीं है, ये तो क्लासिकल डांस है। हम कहीं बाहर नहीं जाने का, हमारे गांव में डांस सिखाने वाली एक छोकरी है। अपने अपुमा सर के बेटे के बारे में बात कर रहे हो क्या? बराबर, मैं उस छोकरी को कल शिव मंदिर में देखा, बहुत तेजस वाली छोकरी है। नीला तो वो फिक्स कर दो, भगवान नटराज खुश हो जाएगा। हाँ ठीक है, कोई भी हो उसको जाके बताओ। यहाँ पे कोई दाजपूज आदमी नहीं है। रास्ता बदलने के लिए किसी को इंद्रस्थान किया है क्या? थोड़ा दूर जाके देखेंगे। अरे क्या है वहाँ? देखो पेशाब कर रहा है। गिरा पड़ा है, मुश्किल है। उसको जहाँ के पूछोगे। चलो आ, 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 पकड़ो। कौन है? आओ आओ कौन पकड़ो है? आराम से। कौन है मुझे पकड़ रहा है? हम लोग पकड़ने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर वहाँ पर अपू कट कर कहाँ है? अपू मास्टर मैं ही हूँ, घर को ही मैं ढूंढ रहा हूँ। नमस्ते महामाये, श्री श्री हे सुरपूर्विते, शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। संभल के पकड़ो, संभल के। कोई प्रॉब्लम नहीं, बटर मिल्क दे दे इनको। शारदा पकड़ो मत, मुझे पकड़ो मत, थोड़ा सोना है, सब ठीक हो जाएगा। मेरे बेटी को लड्डू खरीदा था, वो कहाँ गया? मेरी बेटी को, उसको लड्डू कितना पसंद है मालूम है? कितना पसंद है मालूम है? हम कहां से आए हैं पता है? मंगलश्री। नीलकंठन आपको एक बात बताए है, उसके बारे में अपू मास्टर से बात करने के लिए आए हैं। अभी उनका कंडीशन ठीक नहीं है। एक प्रोग्राम को बुक करना, ये लेकर मंदिर के लिए, उनको पूरा बताना। मेरी बात सुनिए। उठिए आप, पहले आप उठिए, फिर दिन और निकल जाना यहाँ से। अरे थोड़ा देख कर बात करना। मुझे गुस्सा दिलाया था, मालूम नहीं मैं क्या कर लूंगी आप लोगों को।
हम लोग नीलकंठन का आदमी है, हमारे साथ ऐसा बात नहीं कर सकते। तो तू इनको संकट देती हो। नीलकंठ या परमेश्वर कोई भी हो, पहले हमारे घर से आप निकल जाइए। वो भी मैं बानो कह रही हूँ। दीदी तुम अंदर चल, जो भी कारण दिखाकर उनको पिला पिला कर उनको मार देंगे क्या? हम दोनों बहनों आपको कुछ बिगाड़ा है क्या? क्या हुआ है ना, ये लड़की नहीं है, ये भूत है। मैंने भेजा है करके नहीं बताया क्या? था, वो बहुत नाराज था उसके बाद भी। वो अच्छा लड़की भी नहीं है। उसका बाप दारू पी के गिरा पड़ा था और वो हमको चिल्ला रही थी। तो क्यों नाक में चढ़ाते हो? अभी बस करो तुम। अपू मास्टर, ये कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? वो स्कूल मास्टर नहीं है, बच्चों को सिखाता है, इसलिए मास्टर कह रहे हैं। वो थोड़ी समय कला मंडल में नाच कर रहा था। उसको जरा मिलना चाहिए। मेरा मतलब है, गलती अगर हमारे पक्ष में है तो क्षमा मांगेंगे। नमस्ते जी। तो आप ही है अपू मास्टर? बैठिए। परवाह नहीं, मैं खड़े रहूंगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, बैठिए। हमारे यहाँ के मंदिर को हमने नया किया है। सुना है। तो उसको फिर से खुलने के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चाहिए। हाँ। उसके लिए कहीं से भी मशहूर कलाकारों को लाने के लिए मैं सोचूंगा तो वो होगा। हाँ जी। उसकी जरूरत नहीं है, हमारे ही जगह में मास्टर के एक बेटी है करके किसने बताया, उनका नाम मुझे पता नहीं। भानुमती। भानुमती करके बुलाते हैं। अच्छा, बढ़िया नाम है। तो उसके बारे में बात करने के लिए ही इन बेवकूफों को मैंने आपके घर भेजा था। क्षमा करना, सुना है कि उसने कुछ गलत बात किया इन्हों से, क्षमा करना। अरे अरे कोई बात नहीं, क्षमा तो हमें मांगना चाहिए था। वो सब नहीं, मेरी बेटी ने गलती किया है। अगर ऐसा है तो सुनो मास्टर जी, जरा खड़ा हो जाइए। ये 5,001 रुपया है हमारी तरफ से। तारीख मैं बाद में बताऊंगा, बेटी को कहना कार्यक्रम बढ़िया होना चाहिए। लीजिए। पैसे को देखकर आप सब भूल गए पापा। ऐसा मत बोलना बेटी, मैं गरीब हूँ, एक पैसा का भी रास्ता नहीं है। ऐसा एक भी आदमी नहीं है ये गांव में जिससे मैंने पैसा उधार नहीं लिया है। लेकिन मन में सिर्फ एक ही बात बैठा रहता था, मेरी बेटी बानू, वो एक दिन वो बहुत बड़ी बन के रहेगी। उस दिन गंभीर से चलने के लिए मैं अब सबके सामने झुक रहा हूँ। पापा ये सब मुझे मालूम है, जो कुछ कहानियाँ इनके बारे में सुनती हूँ ना, उनके मुँह ना देखने की प्रार्थना करती हूँ। जैसे आदमी से मैं कैसी। उसको छोड़ो बेटी, पिताजी बात कर रहा हूँ। उस मंदिर में माता के सामने कितने बड़े बड़े लोग आके नाचे हैं बताए तुम्हें? वहाँ तू पहली बार नाच रही है, मतलब ये तुम्हारा भाग्य है। आप सबको रेडी होने के लिए मंगलेश्वरी घर पे इंतजाम किया है, मंदिर में ऐसा फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है चलो। आइए, आपका रूम उधर है, आप इधर ही रेडी हो जाइए, बाद में मंदिर जाएंगे। ठीक है। अभी तक तैयार नहीं हो क्या? दिखाओ, देखने दो एक बार। बहुत सुंदर है, तेरा नृत्य भी बहुत अच्छा होना चाहिए। दीदी नीलगंडन आए हैं, पहले इधर आओ, वहां देखने की क्या है। जल्दी उस फूल को ले आओ। हाँ, नीलगंडन सबको बुला रहे हैं, बैठक के लिए बुला रहे हैं। अपू मास्टर की बेटी, बहुत ही मशहूर कलाकारी है। हाँ जी। तो फिर शुरू हो जाता है।
ठीक है, बिना देरी करे मंदिर को चलते हैं। मंदिर में नहीं, नृत्य इधर होगा, इधर। मेरे इस घर के अंदर देखने के लिए सिर्फ मैं ही, साथ में आपने जिन्हें भेजा था, मेरे दोस्त। क्यों समझे नहीं क्या? आपने मेरे पास मंदिर में कहा था ना? हाँ, बहुत चीजें बोला मैंने, अभी जो बोला है वो करना चाहिए। पापा। देर मत करना, ज्यादा बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा अन्याय है। हाँ, अन्याय मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरे भलाई के लिए। कुछ खेल मैं सिर्फ जीतने के लिए खेलता हूँ। जबरदस्त मत करना, पढ़ाई करके अभी आई है। ये मेरी बेटी का पहला नृत्य है, आज होने वाला था, ये ऐसे गड़बड़ हो जाएगा तो मेरी बेटी का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। एक पिताजी बात कर रहा हूँ। बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। मेरे स्वरूप को आप देखना नहीं चाहते। आपके दम किसे मैं डरने वाली नहीं हूँ, अगर मैं ना कही तो? ऐसा तुम कभी नहीं बोलोगे, अगर बोलोगे तो सिर्फ नृत्य नहीं बहुत कुछ कराऊंगा तुमसे। ₹5,001 तुम्हारे बाप ने लिया है, उसके लिए जो भी करना चाहिए मैं करवाऊंगा तुम लोगों से। ये मैं नीलकंठ कह रहा हूँ, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने पैसा लिया वो सच है, लेकिन अगर वो अब वापस पूछेंगे तो भी मैं नहीं दे सकूंगा। अच्छा, ये तो मेरा जान ले लेना, कृपया करके मेरे बेटी को छोड़ दो। पापा। मैं नाचती हूँ। हाँ, ऐसी बात बोलो, कहाँ है, दिया जलाओ। अरे वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, सच्चा कलाकार हो। जीत गए है ना? सही बोले, ऐसा ही होना चाहिए ना। हाँ, आप बहुत बड़े आदमी है ना, प्रसिद्ध पापा के बेटा, प्रसिद्ध आदमी। हाँ, मैं कौन हूँ, एक मामूली सी लड़की। मगर एक बात याद रखना, मुझ में भी ऐसे छोटी छोटी बातों को हासिल करने का मन है, उसे मैं हासिल करके ही छोड़ूंगी। आप जैसे नीच आदमी के सामने घुंघरू बांध कर नाचने का शाप भी भगवान स्वरूप का एक कला है। अब से मेरे पांवों की इस घुंघरू बांधने का योग्य नहीं है। मन को हजार कांटे भोंकने पर भी मैं खुश रहूंगी। लीजिए, मैं इसे यही छोड़ देती हूँ, हमेशा से ही। क्यों नीला, क्यों इतना बुरी बात ले रहे हो? ओ छोकरी की आंख से टिपती वो आंसू, वो याद रखो, वो हमको बर्बाद कर देगा। हम लोग सिर्फ आदमी हैं, भगवान नहीं है नीला।
गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? कालन चाको को पुलिस ने पकड़ लिया। किसी ने बोला है पुलिस मफ्ती में था, सर्कल ऑफिस को लेके गया है। चेरियन को इंस्पेक्टर को हम पर नफरत है ना। भरत, तुम वो एसआई को बुलाओ। जब उसको मारेगा ना वो सब कुछ बोल देगा। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन है ना? हाँ, मैं हूँ नीलकंठ, एसआई है ना? हाँ। अच्छा, सब जेल में है? कोई बात नहीं, रिमांड में है, सब जेल में, वहां तक जाना है। उसने अपनी गुनाह कबूल कर लिया। बदन पे एक इंच भी नहीं, पूरा का पूरा मार दिया है मालिक, मुझे खत्म कर दिया है उन्होंने। अभी मैं क्या करूंगा मुझे पता नहीं। कोई भी सहायता करना है तो मैं हूँ, फिक्र मत करना। आप बात करने से क्या फायदा मालिक? तो फिर सब कुछ मैं सीधा बोल देता हूँ, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए। बीवी और बच्चे को कुछ करना है ना? क्या चाहिए तुम्हें? 5 लाख। कुछ कम मत करना, मेरा भाई आएगा उसको दे देना। इसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो कोर्ट में मैं सच बोल दूंगा और मैं छूट जाऊंगा। ये 5 लाख आपको बड़ा अमाउंट है क्या? ठीक है। वो हालात का फायदा उठा रहा है, कुत्ता कहीं का। वो सब नहीं सोचने का, हम फंस गए हैं। अब ये केस से कैसे भी बाहर आने का। 5 लाख हमारे वो जो जमीन है ना शर्मा जी, हमको तो समय बहुत कम है, किसके पास जाके हम पूछ सकते हैं। जब किसी को पैसा देके मदद करते वक्त मैं तो बोलता ही रहा ना, जब हमको एक परेशानी आता है कोई मदद नहीं करेगा, अब तू समझता ना? ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, कोई बेचने के लिए है। आदमी तो रेडी कैश देने वाला आदमी है, विरंग भाई। वो? हाँ वही, सिर्फ उसके पास ही होगा, हमको बिल्कुल दूसरा रास्ता नहीं है, उसे जाके मिलना है। इसके बारे में मैंने बोला है, बीच में ब्रोकर नहीं, आपने सीधा बात करे तो ऐसा उसने बोला। समझ गए हमें, और कोई चारा नहीं है, है ना शर्मा जी? नहीं है, समय भी बहुत कम है। मुझको आप पर कोई गुस्सा नहीं है, आपको उस दिन बात करवाया और मेरे सामने बिठाया, भगवान ही है। ठीक है, मैं दाम बताता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। 6 रुपए के दाम में मैं लूंगा। वीरांगुटी, ये तो बहुत कम है, 1 सेंट को एक। इसके बाद बात करने के कुछ नहीं है, ठीक है तो मैं खरीद लूंगा, पूरा पैसा अभी दूंगा। वीरांगुटी, आपने पहली बोला, पहला बात आपने ही बदला है ना, इससे ज्यादा तो मैं नहीं दूंगा। शर्मा जी, हाँ ठीक है। नीला, जो कहा वही करो। हाँ फिक्स कर लो, वापा वो लेके आओ, पूरा पैसा, यही है मेरा धंधा, पूरा रजिस्ट्रेशन हम बाद में कर लेंगे, क्या बोल रही हो? ठीक है। वापा मैनो कुटी को पैसा दे दो। शर्मा जी, वो लैंड हमारे हाथ से छूट गया तो हमारे रेवेन्यू में 3 में 1 बार नष्ट है। कैसे भी 10-15 लाख मिलना था, 6 लाख वो खरीद लिया बस। खैर वो सब छोड़ो, आज तक क्या क्या खोया है मैंने। शर्मा जी, मैं ऐसा क्यों हूँ, कभी सोचा है तुमने इस बारे में? सोचा था मगर कुछ पता नहीं चला, तकदीर है और क्या बोल सकता हूँ मैं इसमें। तो अब से सोचने की कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसा ही हूँ, वो क्यों है करके पूछेंगे तो मैं ऐसा ही हूँ। इन सब के बिना एक नीलकंठ कभी जिंदा नहीं हो सकता है। किधर जा रहे हो मास्टर? कहीं नहीं। तो फिर अंदर बैठिए। नहीं, छोड़ो। क्या बात है मास्टर जी, गाड़ी के पीछे जगह है? नहीं, मुझे छोड़ो। नहीं, तुम्हें छोड़ने की कोई बात नहीं, आप अंदर आ रहे हो या फिर मैं उठा के फेंक दूं, तुम्हें पता है। हाँ
दीदी, बाण दीदी। मास्टर नहीं है क्या? आप कौन? अर्बन बैंक से रेवेन्यू रिकवरी। पैसे देने को टाइम हो चुका है, अब जब्त करना पड़ेगा, प्लीज कोऑपरेट करो। ओ पापा, आप घर में नहीं है। बैंक भेजा हुआ नोटिस उसने ले लिया है, इसलिए वेट करने की जरूरत नहीं है। रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, यहाँ सिर्फ हम दोनों ही है। मैं जाकर पापा को ले आती हूँ। शारदा, तू डरना मत। मास्टर जी, अपू मास्टर। क्या है? अब ऐसा कहाँ क्या रही हो? चाचा, मेरे पापा को देखा है क्या? मास्टर मंगल से गाड़ी में गया ना, मामला क्या है? आप ऐसे चुप रहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला ना आपको, जो हुआ उसमें मुझे भी दुख है। ऐसे कभी होना नहीं चाहिए था, क्या करें। और रही बात बेटी की फैसले के बारे में, वो हम बदल देंगे, इतनी भी क्या जिद्दी है? क्यों, सिर्फ तू ही जिद कर सकता है क्या? क्यों, गरीब की बेटी है करके कुछ नहीं देखना है क्या? सब बहुत दिनों से मेरी बेटी का देखा हुआ ख्वाब सबको गिरा दिया ना तूने, इसके वजह से तेरे को क्या मिला है रे नीला? तेरी कुछ ही की वजह से एक एक घुंघरू के दाने, कितने सालों से वो मुश्किल से कष्ट करके रो रो के मुश्किल उठाया पता है तेरे को? वो जानना है तो ये यहाँ पर तीन अक्षर का एक शब्द है। क्षमा करना, मन में जो तकलीफ भरा हुआ पड़ा था सब बाहर आ गया, क्षमा करना। मास्टर जी, आपको आश्वासन देने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं निर्दयी हूं, निर्लज भी हूं, लेकिन आपकी ये आंसू मेरे दिल में टपक कर जल रही है, वो मैं आपको दिल चीर कर दिखा नहीं सकता। अपनी गुनाह को कबूल करके किसी के सामने झुकने की आदत नहीं है मुझे, लेकिन आपके लिए मैं करूंगा। बताइए मास्टर जी, मुझे क्या करना है? ये मुंह को देख के गुस्से से चारों आके भी नहीं बोल सक रहा हूं भगवान। घर से निकाल देते हैं, ऐसा किसी ने मुझसे कहा है, लेकिन अपने रिश्तेदारों में ही ऐसा होगा ये मैंने सोचा नहीं था। उनके पिताजी के वजह से ही ऐसा हुआ, किसी का गलती नहीं है। देखिए, जितना है उतने में जीना सीखना चाहिए, वही जिंदगी है। डांट सीखकर कोई बड़ा आदमी बनता है क्या? ये हम जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा। पुराना बातें छोड़ो, मुझे नींद आ रही है। बिस्तर लगाया है, आप जाके सो जाइए। तुम्हारे पिताजी कब आएंगे? उनका क्या, कहीं शराब पी के सड़क पे पड़े होंगे। हाँ, उस कोने पर तकिया और बिस्तर रखा है, तुम दोनों सो जाना। हम यहाँ से चलेंगे दीदी, इन लोगों का बातों को सुना नहीं सकता, वो सहना ही पड़ेगा क्योंकि हम दोनों लड़कियां हैं ना। Thank you.
बेटी। नहीं पापा, आप कुछ मत बोलिए। वहां सब लोगों के सामने नशे में नाचना, वो भी एक पागल जैसे देखकर, मालूम है मुझे कैसे लगा? बहुत बुरा लगा पापा। क्यों पापा ऐसे बदल गए हैं आप? बेटी, मैं नहीं, आप रोने से सब लोग जागेंगे। अगर वो लोग भी नहीं है तो हमें रहने के लिए जगह नहीं होता पापा। आप यहाँ से भी भगा लेंगे तो रहने के लिए जगह नहीं होगा। लगता है आज वो नानी माँ नहीं आने वाली। ये बर्तन साफ करने के बाद जरा ये कपड़े भी धो देना। ठीक है, छोड़ दो दीदी, वहां रख दो, मैं देखूंगा। कोई बात नहीं। अभी हमको ये मामला पता चला, इसलिए नीलन मुझे भेजा है। आपको जो चाहिए सबका इंतजाम हो जाएगा। आप और आपकी बच्ची को भी यही गाड़ी में लेके आने के लिए बोला नीला। आपको वही घर पे सब सुविधा ही मिलेगा। नहीं, आपका उपहार हमको नहीं चाहिए, हम किसी कोने में रह लेंगे। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, सिर्फ लेके आने के लिए आया। आपकी मर्जी है मेरी बच्ची, मैं ऐसा कह सकता ना। वो दादागिरी ज्यादा करेगा, फिर भी दिल से अच्छा है। मैं पहले से उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। वो बहुत अफसोस है, वो बाहर नहीं दिखाता है। वही मैं निकल रहा हूँ मास्टर, आपकी इच्छा बदला तो सोचने का नहीं, सीधा ये दरवाजा खुला रहेगा। आ गए ना आवारा? हाँ आ गया। अरे आप इतने दिन कहाँ थे? उत्तर भारत में सफर था, साथ एक फॉरिनर भी था। फॉरिनर को वाद्य सीखना था, जर्मनी जाते समय साथ ले जाएंगे बोला। मुझसे नहीं होगा ना, सलाम करके आ गया मैं। वो मुझे पैसा दिया। जब सोचा कहाँ जाएंगे, भगवान कृष्ण याद आ गया था। 2 days गुरुवायूर गया, बाद में उसने जो दिया वो खत्म हो गया होगा। हाँ इसीलिए यहाँ आया। वो बुढ़िया वहाँ पे अकेली रहती है, उनकी कोई खबर मिली आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं, देखना है। शर्मा जी से कह के मैंने एक मनी ऑर्डर भेजा था, शायद मिला होगा। मेरे लिए प्रार्थना नहीं होता है, मगर आपके लिए करता है, शुक्र गुजार है। हाँ जाइए, बाकी कहानी खाने के बाद। पहले अच्छा नहाना, पेट भर के खाना, ये है ना, उसके बिना कुछ नहीं। बार बार प्रैक्टिस किया है क्या? कहा मुझे देखने के बाद लेना दो मारना, उतना ही करेगा, सब सुर कर वैसे ही छुड़ दे, यही है ना तेरा आदत। आप ये घूमना घूमना खत्म करके कुछ दिन यहाँ मेरे साथ रहेंगे तो प्रैक्टिस करूँगा। इच्छा नहीं है करके नहीं, अगर मैं तेरे साथ ही हूँ तो बहुत कुछ सीख लूंगा, लेकिन मन से होना चाहिए ना, ऐसे घूमते रहना मुझको पसंद है। एक तरह से आप खुशकिस्मत हो, पहनने के लिए 2 कपड़े और बजाने के लिए 1 डमरू। एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक कोई निश्चित स्थान नहीं, कोई दोस्त नहीं, सुख ही सुख है। आप जरा इसे बजाइए, बहुत दिन हो गया सुनकर। सही में आवाज सुन रहा था, पेरुंगोट शंकरन की कला ऐसा है। तो अब जिंदा ही है बताने के लिए ही तो मैं आया हूं। क्या हुआ शर्मा जी? नहीं वो आने वाला नहीं है,
भानुमति बोली, वो छोकरी तो बहुत जिद करती है, हम क्या करें, जो होगा सो होगा ना, तू वो सोच के अफसोस ना हो। दिल दुखाना किसके लिए, किस लिए, वो मेरे कौन लगते हैं, क्यों होने के लिए। मेरे माँ इस घर से निकल के 3 साल हो गए, नीलकंठ ने कुछ कहा, अगर मुझे हिलाना है तो वो उतना आसान नहीं है, कह दो उनको। बस बस वो बातें मत लेना। ये लेटर कहाँ से आए हैं? पानीकर सर से। पड़ोसी बच्चे को देखकर पोस्ट करने को कहो। आपका फैसला क्या है? नहीं शारदा, अब मैं घुंघरू नहीं बांधती, जाओ। लीला किधर है? सो रहे हैं। बुलाना मत, खाना लगाना। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, इसमें भी ज्यादा है मुझमें। तेरे पते को बताना, मुझसे दूर रहना। तू कुछ मत बताना, मेरे बगल में आंखें कुचली करने से मैं भी मर्द हूँ ना। आदमी वो बात कहने के लिए तुझे आराध नहीं है, निकल जा मेरे घर से। तुम जैसी औरत मेरे घर में रही तो मुझे अपने पति को खोना पड़ेगा, है तो नाचने वाली ना, वश में करना तो कोई तुमसे सीखे। चुप कर, बस। और कुछ भी अगर मेरी बेटी के बारे में बोला तो काट के रख दूंगा। बेटी जो भी अपना सामान है लेके चलो, निकलेंगे यहाँ से। पापा आओ, आओ बेटी। नहीं पापा, मुझसे नहीं होगा। बेटी दूसरा कोई रास्ता मिलने तक हमको यहीं पर रहना पड़ेगा, अभी यही एक रास्ता है बेटी। ओ आदमी, मेरे जीवन को सर्वनाश कर दिया है। हो सकता है, लेकिन मेरी बेटियों से गलत काम कोई नहीं करेगा, यहाँ कोई नहीं आएगा, मुझे मालूम है। मुझे भी चाहिए मेरी बेटियों सुरक्षित रहना है। आओ बेटी। पिताजी बोल रहा हो ना, आ जाओ। अरे आइए आइए, इस तरफ देखो, वो घर पे आपको सब सुविधाएं मिल जाएगा। आपको कुछ कमती दिखाई दिया तो मुझसे बोलो। आओ बेटा, क्या पियोगे तुम दोनों, चाय या शरबत? खाना क्या बनाऊं ये भी बता देना। नहीं हम ही कर लेंगे। ये क्या बात हुई, तुम दोनों काम करोगे तो मैं क्या करूंगी? तुम दोनों से काम ना करवाने का हुक्म है, फिर मुझे डांट मत दिलवाना। घर के बारे में, परिवार के बारे में मेरे को कुछ तकलीफ नहीं है, मेरे बेटियों को भूखा ना छोड़े बस। हाँ जी, सुना है आप मंगलशेरी में रहते हैं। नीलकंठा किसको रखा है, पहली को क्या? चोटी है तो मुंडेकल शेखरन को चाहता है। शेखर का पैसा भी इंडिया का ही है। Oh!
रोको रोको जी पे चढ़ो। मैं नहीं जाऊंगा तो सड़क पे लफड़ा करके रूल्स बात कर रहे क्या? हाँ करूंगा, वही आदत है। आप मुझे कुछ नहीं कर सकते, चल जाइए जाइए। मुझे धमकी दे रहे हो? मेरी धमकी की मतलब कुछ राजनीतियों को पकड़ के आपकी ट्रांसफर नहीं कराऊंगा, बस मार दूंगा तुझे, समझे क्या? आप नए आए हैं ना, पूछ लीजिए इनसे। चलो यार, शेखर के कुत्ते जो भी है जाके कह दो, पहले सिर्फ एक खेल खेला था मैंने, अब अगर और तंग किया ना ये खेल बड़ा हो जाएगा। अगर कोई गलत बात नहीं किया तो ही ठीक है, नीलगंड के बारे में सब जाना ही है ना, भुगतना पड़ेगा, ये भगवान का निश्चित है। मास्टर जी आप बुरा मत मानिए, अब कोई भी आपकी बेटियों के बारे में बुरा नहीं कहेगा। हजार लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं लेकिन उस एक आदमी का मुंह कैसे बंद कर रहे हैं मुझे मालूम है, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, उसके बारे में सोच के दिल मत दुखाइए। हाँ और फिर इसी बहाने यहां से निकलने का जो फैसला है वो छोड़ दो, ऐसे करेंगे तो वो जीत जाएंगे और मेरी वजह से तुम लोगों का हार हो ऐसा मैं नहीं चाहता। इनको माँ ने भेजी है, इसलिए लेके जाने के लिए आए हैं, देखने के लिए मन करती है इसलिए। ठीक है अब जाइए, नहीं आएंगे तो बहुत दुख में पड़ेगी। दुख होने की कोई बात नहीं, मैं जरूर आऊंगा, आप जाइए मैं आता हूँ पीछे। अच्छा ठीक है। अरे भगवान क्या हुआ तुझे, इजाजत दे दिया? सिर्फ मिलने के लिए नहीं, उनको ले आने के लिए जा रहा हूँ। जो मैं सुन रहा हूँ ये पूरा सच्ची है? माँ यहाँ चाहिए, माँ यहाँ रहेंगे तो हमारे घर में रहने वाले जो लड़कियों को कोई ये नहीं कहेगा कि उनके साथ मेरा कोई संबंध है, और इस दुनिया में अगर कोई लड़की मेरे साथ रहने के लिए तैयार है तो दुनिया के सामने उससे शादी करना है। ये लफंगे बाज की मुकुट बदलने का सोचा है। अब मैं मरा तो भी ठीक है। उल्टी सीधी बातें मत करो, मंगलपुर के माधव मेहता का बेटा अच्छे इंसान बनते समय आप भी होना चाहिए ना, तभी तो उसमें मजा है, है? वो इस घर में नहीं आना है, मैं वही बोलूंगा। आप क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं? वो उसकी आश है, मैं कुछ नहीं बोल ना पाया। उनकी वो लड़का उनके पेट में कैसा पैदा हुआ? उधर ही है। बैठो। यहाँ आने का कष्ट नहीं ना? ऐसे क्यों कह रहे हो माँ? नहीं तुझे बहुत काम है ना, तो मुझे देखने के लिए नहीं आएगे। उस समय तक रुकुन तो इस जन्म में मरने से पहले तुझे देखना बेटा, उसके लिए आदमी भेजा था। दवाई वगैरह? ये सब दवाइयाँ मेरे दक टिकने होगा, थोड़ा और दिन इस भूमि में रहूं मैं, कोई बड़ा इच्छा नहीं है मुझे, उसके लिए दवाई छोड़ दिया। तेरे बारे में संकट नहीं, इसमें प्रोजना भी नहीं है, मुझे एक विनती है, जरा सुन लो। तेरी ये बर्बादी जिंदगी और घमंडी से ये एक बुरा नाम है, मंगलसरी माधव मेनन के नाम का आदमी के साथ हुई जिंदगी में किसी को उन्हें बदनाम करने का, शर्मिंदा कभी ना होने का,
तुम्हारी वजह से बदनाम होते जाएगा तो मैं जी नहीं सकती हूँ। जानबूझ के पिताजी का नाम मिट्टी में मनाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। मन हो या ना हो, लेकिन लोगों को तुम देखते हो उनका बेटा है। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? करना ही पड़ेगा, बदलना है, वैसा नहीं तो सज्जनना है। इसलिए तुम्हें बुलाई थी। सच्चाई? हाँ, सच में तुम उनका बेटा नहीं है। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? माँ जिसको बोलती है वही होता बाप। तेरी बाप नहीं है वो। माँ, चिल्ला वो मत, आराम से सुनो। घर वालों की बातों को मान के उनसे शादी कर ली, तब तुम मेरे पेट में तो महीने बढ़ गया था। सब कुछ मैं उनसे बोली, सोची कि पगली रात ही मुझे घर से भगाइए मेरी मन से, लेकिन उन्होंने बोला सब कुछ भूल जाने का। जब तुम फायदा हुआ, अपने बेटे के समान मान लिया, मुझसे भी ऐसा मानने का बोला। 26 साल की जिंदगी उन्हें इस बात की ही चिंता था। नीलकंठ जो आसानी से मिला उसको बेकार मत करना, इसे घमंडी ना हो। तेरा वंश गलती की एक माँ की है। बेटा नीलकंठ, बेटा बेटा। मैं एक नाजायज औलाद हूँ, है ना? मेरे कोई बाप नहीं। मंदिर के सामने एक लड़की की शादी से पहले हुई एक शर्मनाक घटना, बच्चा गिरा सकते थे ना आप, या फिर पैदा होते ही उसका गला खोदकर मार देते ना, नदी में बहा देते या पटरियों के नीचे गिरा देते ना उसको। क्यों ये सब नहीं किया? उदार दिल, नेक इंसान, भीख में मिला है ये पैदाइश, ये मालूम नहीं था, फिर भी घमंड। हमेशा दान देकर आदत पड़ने वाले को इस जन्म में ये जिंदगी ही किसी की भीख है, ये पता चलना मेरी मौत है। मंगलपुर के नीलकंठ का मौत, हर एक बात और हर एक जरूरत के लिए मैंने जिस नाम को पुकारा है, मेरे पिताजी का नाम, अब मेरे ही मुंह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पहली बार मैं नफरत करता हूं, मुझे 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 नफरत है। तुझको क्या हुआ? कुछ तो बताओ ना नीला, कम से कम मुझे गालियां देना। शर्मा जी, कौन है वो? ओहो, ये तो अच्छा है। तुझे क्या हुआ नीला? आप मेरे सवाल के जवाब दीजिए, ये कौन है? ये क्या सवाल है? पापा की फोटो दिखा के पूछ रहे कौन? पिताजी, माँ जिसे उंगली दिखाकर कहती है ये पिताजी है, वही बच्चे के लिए पिताजी है। तो फिर कौन है मेरे पिताजी? अगर ये नहीं है तो कौन है? माँ को बताना पड़ेगा, मुझे जानना ही होगा। क्या नीला, तू कुछ तो समझ के बोलो ना। हाँ शर्मा जी, मैं एक नाजायज औलाद हूं। दुनिया वालों की नजर से मेरे माँ के इज्जत को बचाने वाले महान है ये। जाऊंगा जहां से छोड़ा था, वहां से बाकी भी सुनूंगा। मेरी माँ की मुंह से सुनूंगा कौन है वो महान आदमी जिसने माँ को गर्भवती करके छोड़ दिया था। अगर वो जिंदा है तो मैं जाके मिलूंगा, और अगर जिंदा नहीं है तो क्रियाकर्म करना है। आ,
कहानी अधूरी छोड़ के चली गई है ना शर्मा जी? सुबह लगभग 4 बजे था, दर्द होने लगा, किसी को भी बुलाया नहीं। दर्द की गोलियां पास में ही थी लेकिन छुआ भी नहीं। लगता है मरने का मन है। जाके स्नान करके आओ, अंतिम कार्य का समय हुआ है। अरे भाई, अंतिम कार्य कर गया उसकी बहन के बेटा हरिकृष्णन, याद रखो। नहीं भाई, उसकी बेटा है ना। मेरे बात समझ लो। नहीं जी, इसमें आप जिद मत करो ना, ये एक बेटा का हक है। बेटा क्या, हमको तो ऐसा नहीं लगता है। जी आप ही बोलो, नीलगंडन तो है, उसको छोड़ के दूसरा कार्य की? तुम्हें सलाह देने को कोई नहीं बुलाया। वो मरी है, अपने बेटे की यादों को भूल ना सकी। अगर वो अंतिम क्रिया करेगा तो स्वर्ग नहीं मिलेगी उसको। शर्मा जी चलिए। पता करने का हक तुम्हें है क्योंकि यही है धर्म। बहुत सालों से मैं वहीं काम करता हूँ। जो मैंने सुना और देखा सब कुछ मेरे अंदर ही है। जो मैं जानता हूँ सब कुछ मिट्टी में मिट जाए। मुझसे सुनाओ मत, लेकिन एक बात तो समझ लो, सभी तरह से अच्छा सा आदमी था वो। उनके शरीर में भी आप ही का भी खून है। बड़ों के घमंड और झगड़ा है, आपके हक को चुरा लिया। आगे आप क्या सुनना चाहते हैं? बहुत देर के बाद पापा के जगह तक माँ भी चली गई। आत्मशांति के लिए प्रार्थना करें। बुरा मत मानिएगा, गलती से फायदा हुआ, बच्चे के जैसा आपको नहीं मानी, सिर्फ एक बच्चे की तरह ही देखी। Thank you.
इह बरसापं तीरारम्मे इयुरु जन्मं वीण्डुं तरुवो सूर्य किरीडं वीणुडं राविन तिरुवरंगी ये मारिश का घर है ना? जी हाँ, आप कौन है? मैं चेन्नई से आया हूँ। क्या चाहिए? बस मुझे अपू जी के मिलना है। शर्मा जी? हैं? वो कौन है? मुझे मामेट अपू मास्टर चाहिए, उनको मिलना है, उसको बुलाइए। कौन है ये? पता नहीं कौन है, अपू मास्टर जी से मिलना है। कहाँ से आ रहे हो? मैं चेन्नई से आया हूँ, मेरा माँ का भैया है अपू जी। ओ, जो मराना कुटी मामा उसका बेटा, इधर से मद्रास को भागा तू है ना? नहीं नहीं, गाँव से नहीं गया, थोड़ा गाँव से बाहर था। बहुत मोटा हो गया तू, जब मैं तुझे देखा था तू पतला था। आ जा, बगल पे ही वो लोग टिक्का है। नहीं बोला मामा, पापा कुछ नहीं बोला। एक चाय दुकान में मैंने लाइफ को शुरू किया, अभी तो 4 होटल है, लॉज है और ब्रांडी शॉप भी है। कुछ भी हो तू ठीक है ना? वो बस है। पास गांव में मेरे अंकल का बेटी का घर है, वो भी खरीद दिया मैंने। वो घर की रजिस्ट्रेशन के लिए अभी आया हूँ मैं। अच्छा। हाँ हाँ, ये बानो है ना? फिर नहीं तो। अरे शारदा बड़ी बन गई। क्यों बानो, डांस सॉन्ग चलता है क्या? गाना नहीं, नाट्य मात्र। बिल्कुल आंटी की तरफ है। तो जो घर खरीदा उसमें ठहरा है क्या? कैसा होगा, चेन्नई से पूरा बिजनेस छोड़कर नहीं आ सकता हूँ यहाँ पर। बानो रुको, ये जो समाचार है ना वो तुम भी सुनना है। इस नया घर में कोई अच्छा आदमी रखना है, सोचना तो। इस कंडीशन में आप लोग वहाँ से आराम से रख सकते हैं। इस दूसरे घर में कितने दिन के लिए रुक सकते हैं आप लोग? हैं, मेरा घर के पास में लैंड भी है, वहाँ पर आप देखभाल कर सकते हैं उनको भी। क्यों अपू जी? क्यों बोलूं, आप लोग चुपचाप खड़े हैं? आप लोग मुझे अलग समझे क्या? ए, ऐसे मत बोलना चुदा, कुट्टी मोले मेरी बहन है ना। हम सब एक फैमिली है ना, उसके लिए बुला रहा हूँ। क्यों बोलूं? तो फिर हम निकले? अगर कुछ भी चाहिए तो संकोच मत कीजिएगा, ये घर हमेशा खुला कोई अवश्य नहीं है। इन लोगों को देखने के लिए मैं हूँ, फिर भी आपका मदद के लिए बहुत शुक्रिया। हाँ, आप शहर आए तो मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिए, मेरे होटल का नाम है शहर। मास्टर जी अब देर मत कीजिए, चलते हैं। जाके आइए, जाके आमा। जो कुछ बदला हुआ सब सोचता रहता हूँ मैं। तू तेरा आदत पूरा बदलाया और कोई नहीं आ रहे इधर। इसके बाद तेरे साथ रह के उन लोगों को कुछ फायदा नहीं जान लिया। अब अपू मास्टर और उनकी बेटियाँ निकला ना, तभी मुझे महसूस हुआ कि हम लोग तन्हाई में हूँ। बहुत पहले ही मालूम होना चाहिए था, मैं CS को चिट्ठी लिख रहा था, दिल्ली में है ना। हाँ शर्मा जी, कुछ दिनों से मैं सोच रहा था हमें कहीं बाहर जाना चाहिए। अच्छी समस्या है, इधर से निकलना अच्छा ही है। हाँ कहाँ जाएंगे हम? हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्री, ठीक है ना? दिल्ली जाकर CS के प्रोग्राम के हिसाब से, वो फ्री है तो उसको भी साथ लेंगे। तो उसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दो। फौरन तो, इधर मामले पूरा सेटल करने बिना मैं आ नहीं पाऊंगा।
यहाँ के सब काम घर सब ताला देके चाचा जी को दे दीजिए और हम कल ही चलेंगे। नहीं, तू सब निर्णय तो तब का तब ले लेता है। उसी में ही थ्रिल है, बिना तैयारी का कोई यात्रा। काशी से शुरू करेंगे, आज तक जितने भी पाप किया हो या गुना किया हो उन सब के लिए, सारे गलतियों को दफना कर प्रायश्चित करने के लिए एक यात्रा। नीलगंडन। हाँ जी, अंदर आइए। परवा नहीं, मैं पानी कर रहा हूँ, दिल्ली में हूँ, इस तरफ कुछ काम था, ऐसे ही आपसे मिलके कुछ बात करना चाहता था। मैं आपको पहचान नहीं पाया। नहीं पहचाना तो भी, मैं इधर आया एक ही काम से, किसी से मिलना था मुझे। भानुमती, आप जानते होंगे। जी हाँ, अप्पू मास्टर की बेटी। आज तो वो अप्पू मास्टर की बेटी है, कल उसी के नाम से ये गांव नाम नशर होगा। जी हाँ, बहुत ही हुनर है, मैंने डांस देखा है। आप देखे ना, बोलो, धरा दिया उसको, धमकी दिया है, डांस करवाया है, उसकी पायलों को निकाल दिया, आपके रुस्तम दिखाया है ना। हे मिस्टर, आपके साथ जो हुआ युगो की प्रॉब्लम की वजह से, अपने आप के जो मिला वरदान को फेंक दी, बानो नाचना बंद कर दी, इंडियन क्लासिकल डांस की वातावरण बदलाने की टैलेंट उसके पास है, सब बर्बाद हो गया, तेरे जैसा एक रौड़ी सब नष्ट कर दिया। तो उसकी पहर छूं की माफ मांग ले, ऐसा हुआ तो इस नाटी दुनिया को उसको वापस लेने का चांस होगा, आपकी मेहरबानी होगा, आपको पुण्य मिलेगा। आपसे मिलके ये भी नहीं बोला तो, जब मैं वापस जाएगा मेरा दिल में दर्द होगा, मैं निकल रहा हूं। आपसे मेरा प्रार्थना है, आपको ईगो को छोड़ दे, उसकी जिंदगी में बाहर लाओ सर। आपने सुना उन्होंने मुझे क्या कहा? लफंगेबाज, बहुत ही अच्छा है। पिताजी नहीं है? नहीं है, इधर बैठ जाइए। हाँ बाण दीदी, बाण दीदी, मंगलसेरी से निर्गंड आए हैं। बेटी, पापा कब आएगा? आने को थोड़ी देर लगेगा, पीने के लिए कुछ चाय मिलेगी, उसे बनाने के लिए बोलिए, आप यहीं खड़े हो जाइए, मैं मास्टर जी को मिलने के लिए नहीं आया था, आपसे मिलने के लिए आया। वो आदमी है ना दिल्ली से जो आया था, उनके बारे में मैंने पढ़ा है, हमारे रविशंकर के भाई उदय शंकर के बैले ट्रूप में उन्होंने काम किया था ना। वही है। हाँ, तो मैंने गलत नहीं समझा, मैं उनकी खातिरदारी करना चाहता था, हमारे घर में वो आए हैं तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन घर आने के बाद दो चार बातें सुना के वो बस चले गए, मैं कुछ नहीं कर पाया। आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर है, आपके अंदर हुनर है, ऐसे बता रहे थे, मेरी वजह से आपने ये सब छोड़ दिया, उसका गुस्सा है उनको, वो सही भी है, आपसे बात करने के लिए और जरूरत हो तो पैर पकड़ने के लिए भी कहा है उन्होंने। मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मजाक ही करना है तो रात के इस वक्त इतनी दूर नहीं आता मैं, वाकई मैं कह रहा हूं। वो घुंघरू फिर से बांध लो ना। बांधूंगी, मगर आप मरने के बाद ही होगा। सभी जगह पर सबके सामने मुझे हारना नहीं होगा, इस बात पर किसी की सहायता पर जीतना नहीं चाहती। शर्मा जी, उसने बहुत सोच समझकर जवाब दी है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों नहीं कहो, मेरे आंसू को देखकर भगवानी मेरे सामने उनको खड़ा दिया है, लेकिन वो कभी शर्मिंदा नहीं हुआ, आखिरी में अपनी गलती की माफी मांग रखे है ना, तुम भी इतना तंकट नहीं देना था।
गुस्से में कड़वा ही बोलना चाहती। अगर ज्यादा हो गया तो उससे माफी मांगो। मुझे होगी चाहिए, मेरी दीदी को बदनाम नहीं होना चाहिए। चले गई। बहुत ही होशियार है ना शर्मा जी? जिद्दी मन है, इसको ही हम कैरेक्टर कहते हैं। ये है लड़की, तक हमने जो देखा था सब बेकार है। आपको पता है शर्मा जी, उसका शाप, उसी ने मुझे गलत रास्ते पर गुमराह कर दिया। एक के बाद एक सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अब और भी बहुत बाकी है। कौन सी गंगा में पाप धोना है, कौन सी मूर्ति के सामने प्रायश्चित करना है, पता नहीं। गाड़ी फंस गई है लगता है, जरा मदद कीजिए ना। मेरे भगवान, मुझसे नहीं हो रहा। हाँ, ये क्या हो गया? कौन है वहां? मैं हूँ, मेरा नाम शेखर। बहुत दिन से, इसी दिन का इंतजार था मेरा, इंतजार कर रहे होता। शर्मा जी, जीप के अंदर बैठिए। नीला, भास्कर भैया कुछ पता है? कहानी हो गया, सुना गए है? रास्ते में आते वक्त चंद्र नायर को देखा है, उन्होंने ही बताया है। मर चुका होगा, काट के फेंक दिया ना, बदन पूरा काटा। सच है क्या? तालाब के आसपास सब लोग बोल रहे हैं, कल यगा से जाते रास्ते में। हे भगवान, जो मुंह में आया उनको बोल दिया है मैंने, तुम्हारी बात सच हो गई है। ओ, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन दीदी जैसा कहा वैसा हुआ। बेटी भानु, पापा आपको पता है? सुना है, जो गलती किया है उसका फल भुगतना ही पड़ेगा, क्या चुदा? हाँ, ये पूरे शहर में दादा के लाइफ ऐसे ही होते हैं, नया दादा आए तो पुराने दादा को मारते हैं।
बड़े बड़े पेड़ों भी नीचे ही गिरते हैं। जो गलती किया है उसका दंड मिला है, वो ही समझना है। अभी मैं निकल रहा हूँ, फिक्र मत करना, हफ्ते में आ जाऊंगा। कुछ ना कुछ चाहिए तो मेरे पास बोलो, मैं लेकर आऊंगा। सिल्क सारी यानी सेंट, कुछ ना कुछ बोलो ना। माँ, मुझे उनको शाप नहीं देना चाहती। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है माँ, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपको मैं दिया जलाऊंगी माँ, इनको कुछ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जीवन भर इस पाप को मुझे सहना पड़ेगा। कोई कह रहा है मर चुका है, कोई नहीं, ये गांव के लोग जिंदे को भी मारा बता देंगे। अरे आप लोग चुप रहो, मैंने अभी अभी मेडिकल कॉलेज का डीन को देख कर आया हूँ। नीलकंठा जिंदा है और ये भी बोला इसके बॉडी में मेजर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। उसको इतने आसानी से नहीं मार सकते, सर को कटने से भी जूझ जाएगा। उसके नाम सुनते ही गुस्से में पड़ी बौनो दीदी है, आप ये सब बन चुकी है? ऐसा कुछ कारण नहीं है, उस दिन तो मैंने उसको ज्यादा कुछ बोल दिया है मैंने। पापा ने पूछा मंदिर में क्या विशेषता है, कुछ भी नहीं बोली। पापा बहुत बदल गया है, उन लोगों का अकाउंट और हाल चल देखना, अब वो पहले जैसे नहीं है। पापा के मन में कुछ तो है, वो ऐसा ही नहीं मदद करते है। जो वो सोच रहे हैं नहीं होगा, इस बानू के बारे में उनको भी मालूम नहीं, पापा को भी। कल है ना अस्पताल से लौटने वाले है, दिन जल्दी से छुट गई। मंगलश्री को जा रहे हैं। आ गया। हाँ, अभी शेखरन का बारी है, वो जाएगा अस्पताल। नीलकंठन गुस्से का आदमी है, आज कुछ तो होगा। देखिए आराम से, आराम से, ध्यान से, देखिए आराम से। हाँ 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 ऐसा आराम से। ओके हाँ आ दासकोटी अंदर बिठा दो ना। नहीं चाहिए, जाइए और मेरे जान के पीछे लगने वालों से कह दीजिए कि मैं आधा मरा हूँ, बाएं हाथ और बाएं पैर। उसे देखकर जो हंसना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। सहानुभूति देने के लिए किसी कुत्ते को आने की जरूरत नहीं। शर्मा जी, वहां पीछे वाले कमरे में एक बॉटल होगी, उसे लेके आइए, और पानी भी। सिर्फ वहां नहीं, ये घर पे कहीं भी बोतल नहीं है, आइंदा इस घर पे शराब की बात ही नहीं उठाना। ओके? अच्छा, खींच के एक दूंगा ना। मारो। हाँ, खड़ा हो सकता हूं तभी तो दे सकता हूं ना, आपको पता है ना, है ना। नीला, मेरे ऊपर गुस्सा तो भी ठीक है, डॉक्टर के पास मैं बोला हूं तेरा खाना ठीक से रहा तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला है तू ठीक हो जाएगा। आज तक तू जो बोला वो मैं सुना हूं, इस मामले मेरा बात तू सुनो ना। सभी ने मेरे साथ हमदर्दी जताई है ना शर्मा जी, बाप का नाम छिपा के रखकर मेरी मां, मार कर भी अधमरा करने वाला शेखर, थोड़ी सी जिंदगी वापस देकर डॉक्टर, हमदर्दी से मेरा दिल भर के आया है। ये सब सहने के लिए मैंने क्या किया है शर्मा जी, या फिर कुछ और भी रखा है क्या भुगतने के लिए? अगर है तो मैं थक गया हूं शर्मा जी, अब किसी से भी लड़ने की ताकत मुझ में नहीं है। शर्मा जी, आप मेरे साथ बहुत दिन से हैं ना, आज तक मैंने आपको एक बाहर वाला नहीं समझा है, एक भाई का, एक बड़े आदमी का स्थान मैंने आपको दिया है ना।
एक ही अधिकार मैंने आपको नहीं दिया है, एक बाप का। इस नाजायज औलाद को एक पल के लिए अपने औलाद मानेंगे क्या? एक बाप का लाड प्यार से और मोहब्बत से मेरी सहायता करेंगे क्या? इस जिंदगी से बचने के लिए थोड़ा सा जहर। नीला, बहुत दिन से तुझ पे मुझको मोह था। मामा और बांजा एक ही और से छे अच्छा नहीं लगा, इसलिए दूर था। बोलो तुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए या तो प्रॉपर्टी चाहिए? कितना एकड़ चाहिए? लेकिन एक कंडीशन पर, जब तक मैं यहाँ रहता हूँ मैं ही रहूंगा। इधर देखो, इस वक्त मेरे घर में आए हो। तुम्हें अंदर बुला के मैंने बिठाया, तुम्हारा चेहरा देखकर नहीं, ये मेरी मर्यादा है। इससे पहले मैं तुम्हें कुछ कह दूं, निकल जाओ यहाँ से। छोड़ो ये नाटक मुझसे मत करो। पहले नीलकंठ, फिर मेरे मामा। अगर किसी से सोना है तो वो सिर्फ इस शेगरन से। इसका योगिन सिर्फ मुझे है। हैसियत? नीलकंठन के सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। इसके लिए तुम्हें एक और जन्म लेना पड़ेगा। मैं गिरी हुई हूँ नीलकंठन के सामने। वो मेरे पास नहीं आए थे, मैं गई थी उनके पास। वो एक सच्चा मर्द है, उसने मेरी तरफ एक आंख उठाकर तक नहीं देखा। मेरी इस अवस्था में मुझे बचाने के लिए आए थे तुम्हारे मामा। रास्ता गलत था लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। नीलकंठन को मार के तुम्हें बहुत घमंड हो रहा होगा। 10 आदमियों का साथ और अंधेरे के साय के बिना तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अभी इस हाल में भी नहीं। चुप सालिक, वो दो पैर पे कड़ा नहीं हो सकता है, उसके बारे में मत बोलो। जब से मुझे यादें हैं मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैदान में खेलती समय मंदिर के तालाब में हराने के लिए नीलकंठ रेडी था। अभी तुझसे मुझे हरा रहा है, नहीं उसका माउत मेरे हार्ट में ही लिखा है। इस गांव की सब लोगों को दिखा दुखा मैं कौन हूं देखनो। वैद्य जी, आपको लगता है कुछ होना वाला है या फिर बस ऐसे ही? आपको भरोसा रहना है डॉक्टर के ऊपर और इलाज में भी। मुझे किसी में भी विश्वास नहीं है। भरोसा रहना है, मात्रा के साथ मन भी काम करना है। ये बुरा ख्यालों को भूल जाना, यही तो मैं कभी भी कहता हूँ। आप जरा चुप रहिएगा, आपको तो हर बात में अपना नाक रगड़ना है। नहीं सुना मुझे गाली तो। कौन है वहां? हाँ नीलकंठ, मैं हूं शेखर। तू मरा नहीं जानकर मैं बहुत खुश हुआ। अभी मेरा खेल शुरू हुआ, बत्ता बदाकर चाकू मारूंगा तुझे। इंज इंज से नहीं मारूंगा। आधा मर गया तू, मार के क्या फायदा? ट्रीटमेंट करो, मैं इंतजार करूंगा। जब तू अपने पैर पे चलेगा, जब देख लेता हूं। अबे कुछ तो बोला है? अरे बुड्ढे क्या देख रहा है, जैसे काट के मारेगा। बस कर कुत्ते। हो अच्छा तू बात करता है। नहीं कुत्ते कमीने। वो चलना मत, सोई पड़ रहे। Thank you.
अरे आप कब आए? आइए आइए, मेरे मौत चाह कर, मुझे जिंदा देखकर निराश होकर, या फिर मेरी इस अवस्था को देखने के लिए किस लिए आए आप? जो भी हो, आप ही की जीत हुई, नीलकंठ हार गया। हो सके तो पास आकर मेरे चेहरे पे थूक दीजिए। क्यों नीला ऐसे बातें कर रहे हो? अरे मैंने तो सच बात ही की ना शर्मा जी, न जाने मैंने कितने लोगों को सताया है, उसमें पहले ही ये खड़ी है। मैं जा रही हूँ शर्मा चाचा। आप आए, बड़ी खुशी हुई। ट्रीटमेंट सब हो रहा है, मुझे गाली दिया तो भी डाइट को फॉलो कर रहा हूँ मैं। इस समय पर ही वो मेरे बात सुनेगा, उसका बदन ऐसा ही ठीक हो रहा था, मगर आज फिर से। मुझसे एक बात बिना पूछे तुम वहाँ पर क्यों गए? पहले आप ही की मर्जी से हम वहाँ गए हैं, मगर अब मेरी मर्जी से वहाँ गई हूँ। भानु, एक छोटी लड़की है तू, उसके पास जाके। हाँ, जवान लड़कियों को लेकर ही वहाँ रहने के लिए आप ले गए थे पापा, उस समय कुछ नहीं हुआ ना, आप क्यों डर रहे हैं? आज उस आदमी से कड़े होने का भी काबिल नहीं है, दिक्कत है पापा। बात मत करना। पापा आप क्यों ऐसे बदल गए हैं पापा? पहले आप ही को जाकर कुशल जानना चाहिए, उस आदमी ने आपको कितना मदद किया, हमने उनके नमक खाया है पापा, थोड़ा भी वफारी होनी चाहिए। अब किसी और की सहायता से पेट भर खा रहे हैं तो सब भूल गया क्या? ये अच्छा नहीं है पापा। बस बात करना, बिना मुझे बताए वहाँ नहीं जाना, समझी? वो अच्युतन को अगर पता चला तो उसके मुंह में मैं कैसे झांकूंगा? मुझे दोबारा जाने की मन नहीं थी, मगर आप इतना जिद कर रहे हैं तो जरूर जाऊंगी। उस बात के लिए आपको किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं है तो जरूर उस काम में करूंगी, जरूर वहां जाऊंगी। भानु, आपको यहां नहीं आना चाहिए था, पिताजी को दुख देखकर खामखा, उससे क्या फायदा? ये सब क्यों, किस कारण के लिए, वो सब मैंने सोचा नहीं। आने को मन लगी आ गई, पसंद नहीं तो चली जाऊंगी, आपको कष्ट देना नहीं चाहती हूँ मैं। पसंद नहीं? मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। भानु, जब तुम मुझसे मिलने आती हो मुझे लगता है कि मेरी गलतियों को, मुझे लगता है तुमने मेरी गलतियों को माफ कर दिया है, इसमें मुझे खुशी जरूर है। लेकिन उसके बाद भी मैंने जो भी गलतियां की है उसका सजा आज मैं तहे दिल से ले रहा हूं। तुम मुझसे मिलने के लिए आना, मुझसे थोड़ा सा भी दया और प्यार जताते हैं, सहानुभूति देते हैं, उनको भगवान भी माफ नहीं करेगा। आप खामखा पाप के भागीदार मत बनिए। मैंने सोची थी कि आपको बड़ा शरीर ही नहीं है, आपको बहुत बड़ा दिल भी है, मगर अभी मालूम हो रहा है आधी जीवित छव कहने वाले शरीर में पूरी मरी हुई दिल है। ऐसे नहीं रहना, अगर आपके मन में देर है तो चलने के लिए पाँव नहीं चाहिए। माफ करना, मैं आपको एडवाइस नहीं दे रही हूँ, उतना समझदार भी नहीं हूँ मैं। मुझे मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ भानुपति। मुझे भी ऐसा ही है। ये शर्मा जी कहाँ चले गए? आपको आज डांट पड़ेगी। कोई बात नहीं, अब तक करण भी नहीं आया। आजकल तो मुझे अंधेरा ही पसंद है, चेहरा देखे बिना बातें करते रहना वही अच्छा लगता है आजकल। शर्मा जी ही होंगे। शर्मा चाचा नहीं है। तो फिर कौन है वहां? आ गए, इतने दिन कहां थे? हाँ, अंदर आइए, जरा देखूं मैं आपको, यहां की बातें आपने सुनी होगी ना? नहीं,
बागा आंखें मैं तुमको नहीं देख सकता। मेरे मन में भगवान के समान एक दृश्य है, उसको वैसे ही रहने दो। आप निस्सहाय पड़े हो, मैं नहीं मानता। चाचा जी, आपको देने के लिए, बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा भगवान का दिया हुआ प्रसाद तोड़ा है, आप स्वीकार करें। चले गए है ना? हाँ। दिल में सिर्फ प्यार रखने वाले एक इंसान है वो। भानुमति, मैंने मौत के बारे में सोचना शुरू किया बिना कोई आवाज के पहुंचकर। मुझे ले जाने के लिए मौत आती है, ऐसा मैं सपना देखता हूं। इससे पहले कि ऐसा हो जाए, एक गलती की प्रायश्चित करने के लिए मुझे तुम्हारी अनुमति चाहिए। भानु, तुम्हें वो घुंघरू फिर से बांधना चाहिए। तुम्हें याद है ना, पहले जब मैंने इसके बारे में बात की तो तुमने क्या कहा था? कि मेरी मौत के बाद ही इसके बारे में सोचोगी। तो अब मरने की बराबर ही हूं मैं। पुराना नीलकंठ अब मर गया, ये शरीर किसी न किसी दिन हमें त्याग देगी। बस जिंदा हूं इसके लिए एक सपूत है वो। ना मत कहना इस बार, ये मुझ पर तुम्हारी एक दया होगी। कम से कम एक पाप से तो मुझे मुक्ति मिलेगी ना, ये मेरा तुमसे भिक्षा है। सोचा पापा जानते ही खुश हो जाएंगे। इस घर और बगीचे को संभालने से मुझे लगता है कि उनको पैसों की चाहत है। नाचना और संगीत भूल गई है। तुम्हें खुश लगा है क्या? मुझे पसंद है, सिर्फ तुम नाचना शुरू करने से नहीं, नीलकंठन जी इसके पीछे हैं। बस ऐसे ही मैंने, तुम बैठो। पानीकर सर को बताया था मैंने, खबर दे दी ना आपने। क्या समझा? खबर का जवाब भी आ गया, वो आ रहे हैं। सच है क्या? हाँ, और साथ में दिल्ली से मेरा दोस्त सीएस भी आ रहा है। वो नेशनल टीवी के लिए एक प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, केरल में है उसका शूटिंग, और उस प्रोग्राम का डेमोन्स्ट्रेशन आप ही करेंगे। करेंगे ना? इतनी जल्दी ये सब? क्या समझ रखा है तुमने मेरे बारे में? मैं बस वेल्ले बैठा हूँ इधर, ऐसे क्या? उठना है क्या? ऐसी एक चिंता है मुझे। रुकिए मैं मदद करती हूँ। कष्ट होगा। कोई बात नहीं। और अब वो व्हीलचेयर लाइए ना जरा। मेरा नया जन्म है ना, सीखने के लिए वक्त लगेगा।
बहुत बार गिरने के बाद ही चल सकते हैं। बच्चों को देखा है ना आपने? यहाँ क्या हो रहा है नीला? उठो, संभाल के, संभाल के। आप किधर थे? ये सेगर के लोगों से हर दिन परेशानी है। ये एक नारियल भी नहीं है हमारे गार्डन पे। अब बहुत गमंडी से घूम रहे हैं। हमारे साथ चार लोग थे स्तंभ जैसा, अब डर के कहां जाके घुस गए पता नहीं। उनकी बात छोड़िए ना शर्मा जी, उन्हें तो जान से मारने की धमकी दी है उसने। मैं एक पिटीशन देने के लिए सोच रहा हूँ। पुलिस वालों को पैसा दिया तभी परवाह नहीं। नहीं, जो भी हो अब छोड़िए इस लड़ाई झगड़े को। मैं सब भूलने की कोशिश कर रहा हूँ जानबूझ के। भूलना ही पड़ेगा क्योंकि अब मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। तुम, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा जीवन। शुक्रिया, निकल रहा हूँ। नमस्ते। ठीक है। मुश्किल के समय छोड़ के चले गया मत समझना। अरे मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं और बोला भी तो नहीं। देखो तुम चारों से मैं एक बात कहना है, तुम्हारे बुरी बातों सुन सुन के ही वो अब वो बहुत कष्ट उठा रहे हैं। वो जिंदा हो मरना क्या, इसलिए तो आए हो तुम? आपका नमक खाया है हमने, आपके विरोध कुछ नहीं करेंगे हम। ऐसा तो आप फौरन जल से निकल जाइए, अब वो बस हमारे लिए। उस समय हम लोग नीला के साथ नहीं था ना, वो हमारा फॉल्ट है। क्या करें, शेखर का ताकत बढ़ गया है। और कितना दिन चुप रहना है, पहले जैसे आना है तभी तो जी सकते हैं। वरदा, उसको मत छोड़ना, किसी को मत छोड़ना। कार जलना मेरे लिए कुछ नहीं है, उसके बदले में तैयार कर चलाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। जाना था तू बदला के लिए तैयार है? कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम बस खामखा डर रहे हो। मुझे डर नहीं नीलकंठ, मैं गोश्त हूँ। मुझे आना है, पुराना हिस्सा बाकी है, तभी ये मुकाबला टिक रहेगा। जरूर तू आएगा, मुंडकल उत्सव बहुत दूर नहीं है। वो तुम नहीं कर पाओगे, अपने बीच जो कुछ भी था उसे बाकी रखने की आदत मेरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरे हाथ के इस हालत होने के बाद भी मैं तुम्हारे सामने आता, तुम्हारे घर के दरवाजे को तोड़कर पुराने नीलकंठ को मैं खुद बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अब तुम उसे
याद दिलाने की कोशिश मत करना शेखर, तुम जाओ। उत्सव का झंडा चढ़ा दिया है। पिछले साल का उत्सव अभी मनाया जैसा है। थोड़ा रुकिए, अब तो रुकने का समय नहीं है। उत्सव तो आ गया ना, मैं ही तो हूँ सब कुछ करने के लिए। सब काम को छोड़ के जो अभी आया है, सबको फिक्स करके एक डेट लगाने के लिए। तू क्या बोल रही है, हमने सब बात करके खत्म कर चुके हैं। एक बात को आपने बताया नहीं होगा, मर जाने पर भी बानो इस बात पर मानेगी नहीं। इस बात पर पापा को दोष मत देना, पापा का कोई गलत नहीं है। बेवकूफ की तरह बात मत करना। पापा आप जो कुछ बता रहे हैं कर रहे हैं सब कुछ गलत है ना? क्यों घमंडी, सोच के बात करना। सोच कर ही कह रही हूँ। सब कुछ? हाँ पापा सब कुछ। ऐसा तो तू यहाँ पर नहीं रहना अभी इसी वक्त। ये भी मुझे मालूम है, इसीलिए सब कुछ तैयार रखी हूँ मैंने। तो फिर लेके चलो, कहीं जाकर जैसे तुमको मन करना वहाँ जी लेना। आप ये क्या बोलते हैं? तू चुप कर। बानो दीदी। नहीं अंकल छोड़ दीजिए, इनको पसंद है तो छोड़ दीजिए बस, बानो को बाहर मत बेचना प्लीज। अच्छुदा मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, जो खाना तू डाल रहा है वही मैं खा रहा हूँ, वो लोग भी खा रहे हैं। सबको जाने के लिए कहने से मैं भी तैयार हूँ, सब लोग मिलकर खुशी से। अयो अंकल आप क्या बोल रहे हैं? ऐसे तो हम दोनों यहाँ पर नहीं रहना है, वो जाना है बाहर। बानो दीदी मुझे और कोई रास्ता नहीं है, तुम ध्यान से रहना। अब यही है निर्णय है ना? बाहर जाने के लिए पापा ही बताया है, उस बात पर खुश हो। स्वयं निर्णय लेकर घर नहीं छोड़ी हो ना, वो सच नहीं फिर भी। शर्मा जी वो बक्सा उठाइए। दो नादान लोग अकेला ही हूँ इधर, आओ बेटी। अंदर बहुत सारे कमरे हैं। ये घर का और रसोई घर का चाबी दे देता हूँ मैं। और आप कहाँ जाओगे काशी? ओ, नहीं होगा, मेरी भविष्य में बानू की हाथ से अच्छी तरह खा के मैं खुशी से जीवूंगा नीला। तो आप क्या समझते हैं ये यहाँ पे रसोई का काम करने आई है? मंगलपुर से बाहर एक बहुत ही बड़ी दुनिया बानू की इंतजार कर रही है, यात्रा की शुरुआत करने के लिए ही बानू इधर आई है, अब जाओ। शर्मा जी ऐसे कुछ भी बोलते रहेंगे। वारियर को बेवकूफ मत करना, मैं भी अकलमंद हूँ, तेरे से ज्यादा मैं काया हूँ। डिंगे डिंगा। ज्यादा खाना खाना ही बुद्धि की तराजू है, तो सिर्फ बुद्धि कम नहीं आपको, कुछ ज्यादा ही कम है। डिंगे डिंगा। शर्मा जी क्या है? टेलीग्राम है दिल्ली से, सीएस ने भेजा है, अभी निकलना है। क्या किसने भेजा है? दिल्ली से, भानु का डांस प्रोग्राम है उधर। 16 मतलब आज तो तारीख 10 है, कल निकलना है तभी तो पहुंच सकता है। अच्छा आप कहीं भी जाइए। हाँ। शहर में कहीं पे भी जाके दो टिकट बुक कीजिए आप। हाँ। आपको भी इसके साथ भेजना चाहिए, गांव के बाहर इन्होंने कुछ दुनिया ही नहीं देखी। क्या दो टिकट है तो? तुम नहीं आ रहे हो नीला? मैं मैं किस लिए? ये लाठी वाटी लेकर वो अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा कोई नहीं जाना है यहाँ से। वो ठीक कह रही है। जिद मत करना, मेरी जरूरत नहीं है उधर, इसीलिए मैं। अवश्य है, आप पहले सीट पर बैठना है तभी मैं घुंघरू बांधूंगी। तो फिर ठीक है, अब इस वजह से कोई रुकावट ना हो। शर्मा जी जल्दी कीजिए ना। मैं तो अभी रेडी हूँ। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, मुझे बस पुराने कुछ यादें आ गई थी। प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से करना है, बहुत बड़े बड़े डांसर्स आएंगे, डांस होने के बाद बैक स्टेज में आके बधाई देने के लिए बहुत लोग। मैं बस उसका सपना देख रहा था। सच बताऊं मैं
अब मुझे कोई इच्छा नहीं है। नाट्य पर मुझको इतना उत्सुक नहीं लग रहा है। बकवास मत करो तुम, वो उत्सुकता ही हमेशा तुम्हारे साथ होना चाहिए। और रही बात इच्छा की, ज्यादा आशा करोगे तो ही थोड़ा भी मिलेगा। आसमान की इच्छा करो तो थोड़ा बहुत तो मिलेगा। ये सब तो बस एक शुरुआत ही है। समंदर पार के जाना है तुम्हें। जिस जगह पे पैर बसाते हो उसे कब्जे में करना है। इस बीच में एक बात अच्छी से भूलना नहीं, शादी। एक ऐसी शादी जिसमें सब आकर आशीर्वाद करें, और वो बात भी मेरी ही जिम्मेदारी है। वो आप भी हो सकता है ना, आपके सामने मैं तैयार हूँ। एक मंगलसूत्र पहनेंगे तो पूरा होगा। ऊपर से भगवान हमको आशीर्वाद देते हैं। भानु, बेवकूफों जैसी बात मत करो। बेवकूफ नहीं हूँ, मेरे मन में कई दिनों से यही चल रही है। ये नहीं हो सकता, और होना भी नहीं चाहिए। कल के दरवाजे जब तुम्हारे सामने खुले हो तो उसे बंद करने के बारे में सोचती है? रास्ते दिखाने वाले कभी बंद नहीं करता। मैं उस लायक कभी भी नहीं हूं भानु। वो सब मुझे बताना है। तुम्हें मालूम है ना, मेरी बात तो मेरी शरीर भी नहीं सुनती, और भी है बहुत सारे कारण। उसको मुझे आराहत नहीं, वही है ना? कुछ ज्यादा ही है। तुम्हें कभी भी पता नहीं होने चाहिए ऐसी सच्चाई। मेरा जन्म ही नहीं, मुझे कुछ बताना नहीं। जब आपने आपके माँ को देखकर आया है ना, उस रात मैंने सोई नहीं। नहीं, उस बात को छोड़ दो, ये सब तुम्हारी भलाई की ही है, बाद में पता चलेगा तुम्हें। तेरी जिंदगी अच्छी रहना समझ मुझे वो सब नहीं चाहिए। मेरे जीवन पर उसको सेवा करना चाहती हूँ, बस वही मैं चाहती हूँ। बेटी, तू एक बहुत बढ़िया कलाकार है। फिर भी मैं एक लड़की हूँ चाचा, भूल जाइए मत। मेरे मन में भी थोड़ी सी आशियां है, उसे भूलने से बेहतर मर जाना चाहती हूँ। लेटा नहीं क्या? नहीं, वो तो रो रही है। हाँ, उसने कुछ ऐसे ही कह दिया जो होना नहीं चाहिए, ऐसी बेवकूफी। नीला, मेरे बात तो सुनो ना, मुझे देखो। अंदर में तू तुझे छुपा सकते हो, मगर तेरे आंख से मैं जान लूंगा तेरा हृदय में क्या है। तेरा बदन पे जीवन रहने की कारण सिर्फ दवाइयों की काम नहीं, उसकी प्रार्थना भी है, उसकी पूजा की नतीजा है। मुझे देख के सीधा बोल, ये नीलकंठन बिना भानुमती जीवित रह सकते हो? शर्मा जी, पायसन पूछकर तू मुझे एक स्थान दिया है ना पिताजी, अब वो स्थान से बोल रहा हूं। उसके रोने को तू मिठाना है, तू उसकी भलाई चाहते हैं तो तू मरने तक तेरा अंदर ही वो रखना पड़ेगा। शर्मा जी, आपके मन में कुछ है, इसीलिए आपके पांव। पुण्य हो तुम,
मैं किस्मत वाला हूँ। तुमने जब बताया था तब मैंने ना कहा उसका एक ही कारण है, क्योंकि मैं तुम्हें उतना चाहता हूँ। अब किसी को भी, यहां तक कि मौत को भी, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। दीदी, आज सुबह मेरी शादी थी। मैं तो पापा से बहुत कुछ बता दी हूँ, तुम्हारे आने को भी नहीं माना। तुमसे चाहत करके वो बड़ी गलत किया, उनको नहीं लगा मेघू सगी साथी। शारदा, पापा तो मान लिया, आगे उनको कोई चिंता नहीं, बस वो नहीं दामाद के संपत्ति संभाल लेंगे। तेरी मर्जी के बिना मेरे जैसी लड़कियों को चाहत की बात ही नहीं, जो मिला वो मेरे भाग्य है। निकल देखो, बुला रखे है। जाकर खुश रहना, कोई विशेषता है तो मुझे बता देना, मैं जाके आती हूँ। बस उसकी भलाई के लिए सोचो। बेचारी मेरी बहन। अरे नहीं, रोना नहीं, चलो तैयारी करनी है ना हमें। तुम्हारे दिल में सिर्फ आज की यात्रा होनी चाहिए, बस उसी के बारे में सोचो। मुझे मेरे पापा को देखना है, वो मुझसे गुस्सा होगा, मुझे उससे आशीर्वाद लेना है। माले में मुझे देखना भी नहीं चाहता है, फिर भी। तो फिर जल्दी करो, समय नहीं है। मैं कुछ ज्यादा ही बेचैन हो रहा हूँ ना, थोड़ा सा एक्साइटमेंट। चलो। ये तो मैं बता रहा था, एक तरह से अन्नदान श्रेष्ठ है। एक शादी का मतलब बोलने से कितना खर्च। अचानक निर्णय किया ना, सबको बुलाने का मौका नहीं मिला, फिर देखा तो मुझे मेरी बहन की शादी देखने नहीं दिया। कम से कम उसका आने तो गाऊं ना, मत कहना पापा। मुझे देखना भी नहीं चाहते हैं आप, आपसे सिर्फ आशीर्वाद लेने आई थी पापा। मैं जा रही हूँ पापा, आपके पुराने सपने सब भूल गए हैं ना। मुझे शाप मत दो ना पापा, आपके बानो कुछ गलत नहीं किया है पापा। पिताजी ने कुछ नहीं बोला बेटी, भाग्य हम दोनों को अलग कर दिया है, तुझे शाप करने के लिए। पिताजी से लगता है तुझे होता क्या। कुछ तो भूले जैसा ही है, अर्जेंसी में सब रेडी किया ना। अब क्या भूलना, सब कुछ भूलने के लिए तो है ये यात्रा। भानु अभी तक नहीं आई। शर्मा जी, ये भानु ने क्या कर दिया, गाड़ी मिस हो जाएगी। अरे भगवान, ये किधर गई। नीला, Thank you.
आ गया है ना शेखर। भानु उसको कुछ मत करना। क्या करूंगा, इतना बुरा आदमी नहीं है शेखर। तुझे लाने के लिए एक ही रास्ता था मुझे, उतने ही। वो किधर है? जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, वो यही पर है। एक साल पहले इसी दिन में तूने बर्बाद किया उत्सव। डर के भागे गांव वाले कहा है आज, इस समय तो यहाँ पर होना मेरे आशित। मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। शेखर मैं कुछ भी दूंगा। तू मुझे कुछ मत देना, मैं जो दे रहा हूँ तू ले ले। इन सबके सामने मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा भी कुत्ते के जैसे, हाथ नहीं उड़ाएगा। उड़ाया तो अगर किया फटाका जलेगा, उसकी आवाज भी नहीं सुनेगा। ये नीलगंड शेखर को जीतने का सब लोग देखेंगे, कभी मेरा कुछ काम होगा। Ah!
नीला। शेखर, मुझे जीना है, चैन से जीना है, और उसमें बाधा डालने के लिए तुम्हारे ये हाथ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये हाथ ले रहा हूं। Oh!